हेलो गाइस वेलकम टू कैंपिंग सूत्र तो आज हम ग्रुप के बारे में एक अपडेट लेके आए हैं क्योंकि ग्रुप को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स या फिर हम लोगों ने जो पुराना ग्रुप को लेके वीडियो बनाया था उसमें हम लोग कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने में असमर्थ रहे असफल रहे हुँ. तो उस असमर्थता और असफलता को दूर करने के लिए हमने एक नई चेष्टा की है और वो जो होगी हिंदी तो वो चेष्टा जो है वो ये है कि कुछ लोगों का माना था देर वर थ्री पॉइंट्स जिसके ऊपर लोगों ने हमें कमेंट नहीं नहीं, नहीं नहीं एक मिनट इसी तरीके की हरकत जैसी मैंने अभी की है शायद लोग ड्रिंक करने के बाद करने लगे <laughs> उसी चीज को रोकने के लिए हम लोगों ने ये नया चलचित्र आपके लिए पेश करने जा रहे हैं इस चलचित्र में आपको पूरी <laughs> ए, संयोजित नियोजित नियोजन जो कुछ भी है हर तरीके से आपको ये बता, बात बताया जाएगा कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिनको हम जिनके बारे में हम एक बार विचार करने के लिए तैयार हैं। शर्तें ऐसा कुछ नहीं है एक सभ्य इंसान की तरह अगर आप ग्रुप में बिहेव करोगे तो एवरी बडी इज वेलकम और हमें स्पेशली तीन लोगों ने तीन टाइप के लोगों ने तीन प्रॉब्लम बुरा, बुरा बुरा मांगे, मांगे, तीन तीन बुरा मान 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 गए गए तीन लोग आपको ज्वाइन कर नहीं सकते हैं ठीक है उसका कारण उसका मतलब वो वो जो तीन रीजन है वो है एक तो ड्रिंकिंग की समस्या हाँ। एक स्मोकिंग की समस्या और एक सिंगल्स सिंगल्स का कहना है कि की हम बाइक पे हैं या फिर हम अपने अकेले सोलो कैंपिंग करना चाह रहे हैं फैमिली नहीं है क्योंकि हमारा ये था कि फैमिली वाले होता ज्यादा सही रहेगा तो क्योंकि फैमिली वालों को भी हमने ये इसलिए कहा था क्योंकि फैमिली में भी लोग हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं लेकिन उनकी धर्म पत्नियां उनको संभाल लेती हैं इसलिए हाँ सिंगल्स को कौन संभालेगा एक्चुअली एक आ, शायद बेंगलोर से बेंगलुरु से थे हाँ, से right. थे कोई नहीं गुवाहाटी से गुवाहाटी से हाँ. तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी पूरी फैमिली जो है कैंपिंग करते हैं तो वो लोग हमको ज्वाइन करना चाहते थे बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप लोग अल्कोहल को परमिशन नहीं दे रहे हो कि आप अल्कोहल नहीं right. पी सकते ऑन द आई वुड लाइक टू मेंशन हियर हिज नेम अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो अप्पू जी आई डोंट रिमेंबर हिज फुल नेम को उनका उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे अप्पू बोल के बुलाओ क्योंकि बहुत बड़ा है उनका नाम तो स्पेशली टू यू आप यू कैन

मेल ड्रिंक कर रहा है ठीक है तो उसके साथ उसका फीमेल पार्टनर उसकी लगाम खींचने के लिए साथ में हो हाँ। तो ज्यादा बेहतर है राइट ठीक है और अगर दोनों ही पीने वाले हैं तो फिर तो 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 फिर फिर महफिल जमेगी आप भाई महफिल जमाओगे शायरी सुनाओगे हम भी इंजॉय करेंगे।, करेंगे मतलब कहने का मजाक चलो मजाक तो मजाक हो गया कहने का मतलब ये होता है कि, कि किसी के पीने की वजह से ग्रुप का अगर माहौल खराब होता है इस चीज को लेके हम थोड़े चिंतित थे वरना हमारा एक व्यक्ति की वजह से सारे व्यक्तियों को प्रॉब्लम हो ये अच्छी बात नहीं क्योंकि हमारे ग्रुप में अभी लोग जो जुड़े हैं उनमें से फिफ्टी लोग तो उनको ध्यान में रखते हुए जैसे इसने भी बताया किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो और आप उसके पास बैठ के स्मोक करने लगो और उसके बाद हम आए आपके पास और आपको कहें कि प्लीज आप स्मोक मत करो फिर आप बुरा मान जाओगे इसीलिए कि आप बुरा ना माने उस टाइम इसीलिए ये चीजें पहले ही क्लियर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है इसीलिए ये हमने दूसरा वाला वीडियो अब बनाया है आपके लिए जिससे ये बात क्लियर हो जाए और अब तीसरा पॉइंट आता है सिंगल्स के लिए कि हमने सिंगल्स को क्यों मना किया सिंगल्स का एक तो वजह आपको पता लगे कि अगर वो ड्रिंक करेंगे उनकी लगाम खींचने के लिए कोई नहीं है उनको रोकने के लिए कोई नहीं है पहली तो ये होगी दूसरी वजह ये थी अगर आप अपने कंट्रोल्ड वे में ड्रिंक कर सकते हो तो यू आर मोर देन वेलकम कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना अपने पीने की क्षमता को

हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ग्रुप में जो लोग अभी तक जुड़े हैं और आगे भी जो जुड़े हैं वो वेल एजुकेटेड हैं सारे उनको पता है कि हाँ भाई दस बंदों में बैठना है तो कैसे बैठना है बट यू नेवर नो चक्कर ये होता है गाइस कि क्योंकि एक... ये पहली बार पहली मुलाकात जब होगी उसके बाद हम लोगों को जानना शुरू करेंगे उसके बाद हम लोगों के बिहेवियर के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि भाई फलाना बंदा गलत था उसने पहले वाली कैंपिंग में ये गड़बड़ हो गई पहली वाली कैंपिंग जो हमारी होगी ग्रुप की वही एक देगी कि कौन कैसा है, कैसा वो, भी लोगों को हम लोगों ने अप्रोच करना है या वो हमको अप्रोच कर पाए किस टाइप के लोगों से हमने दूर रहना है ये सबको पता है हमें ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं हर बंदा सुख शांति से ही अपने वेकेशंस बिताने, बिताने के लिए आता है कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई गड़बड़ हो वो तो है और गाइज एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि ड्रिंकिंग स्मोकिंग या फिर सिंगल्स की एक समस्या ये भी है कि आ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके पास पैसा तो है बट वो जिसे कहते हैं ना वट डू यू कॉल दैट वर्ड हुड़पन होता है उसमें बचपना होता है सिंगल्स में

बीच में से कैंपिंग ग्रुप के पहले जो अक्षर है फ्री वो हट वो हट जाएगा अगर हम लोग ये सब कुछ मिलके हम लोग एक प्रयास नहीं करेंगे तो फ्री कैंपिंग ग्रुप एग्जिस्ट करता ही नहीं इंडिया में कहीं पर राइट। सारे बहुत मोटा पैसा लेते हैं आप लोग जानते हो तो हम लोगों ने अगर ये कुछ अलग करना है कुछ नया करना है एक कोशिश करनी है कि फ्री में हर तबके का बंदा कैंपिंग कर सके और कई लोग को ये भी पॉइंट आउट है कुछ सब्सक्राइबर्स ने जैसे कहते ना सब्सक्राइबर्स तो नहीं कहूंगी मैं उनको व्यूअर्स कहूंगी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जो सिर्फ नजर रखते हैं हम पे कि हम क्या कर रहे हैं 90 <laughs> मेरा जो वॉच टाइम तो तो आता है वो नाइनटी नॉन सब्सक्राइबर्स से आता है हाँ। तो उनका पॉइंट आउट ये करना है कि आप भाई पैसे की कंजूस हैं इनके पास कुछ नहीं है इनके पास ये नहीं है इनके पास वो नहीं ये पॉइंट आउट करते हैं लोग है। मतलब हमें प्रोवोक करने की कोशिश की जाती हम है हम कुछ ऐसा ऐसा बोले या ऐसा कुछ करें ठीक है यानी कई लोग हैं ऐसे जिनके मतलब आंखों में वो चीज चुभ रही है वो फ्री वाला वर्ड जो हमने लगा दिया आगे ना उसको लेकर कई लोगों को ऑब्जेक्शन है हमें ईमेल्स भी आई हैं हाँ। ईमेल्स आई हैं हमें प्यार भरे अंदाज में जिसे कहते ना जिसमे वो क्या है कहावत है ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा मतलब कह भी दिया सलाह भी, भी दे दी हाँ कह भी दिया और कुछ भी नहीं कहा गोल मोल बात कर दी सलाह दी गई कि अगर आप ऐसा करोगे फ्री कैंपिंग ग्रुप चलाओगे तो आपका ग्रुप नहीं चल पाएगा आप अपना टाइम वेस्ट करोगे आपको कोई अपनी लोकेशंस पे आने की परमिशन नहीं देगा मतलब बहुत सारे बहाने <coughs> लगे बट मैं अपनी फुल ट्राई करूंगा मैं इस ग्रुप को चलाने में आपके सहयोग से डेट टू फ्री वो भी फ्री वाला ठीक है वो बगैर आपके सहयोग के नहीं होगा अगर पैसे वाला बनाना है तो हम देखेंगे अपनी फीस है, पर जैसे अगले दूसरे लेते हैं ढाई हजार हम भी कहेंगे पर पर्सन है ढाई हजार लो सब कुछ नियोजित और सुनियोजित करने की जिम्मेदारी है मेरी मैं करूंगा राइट मैं सब कुछ नियोजित करूंगा एक एक बंटा बात है तो फिर ऐसे होगा बट मुझे ये चीज Personally, क्योंकि गाइस पैसे स्पेंड करके हर कोई ग्रुप बना के कैंपिंग कर सकता हो और आपके सामने बहुत से एग्जांपल्स हैं ठीक है असल कैंपिंग अगर आप अंग्रेज़ों को देखो ये हमारा कल्चर है नहीं वैसे कैंपिंग का भी वो पहाड़ जो ब्रॉड में रहते हैं उनका कल्चर है अगर आप उनको देखो असल कैंपिंग एक तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से होती है फ्री कैंपिंग ग्राउंड गवर्नमेंट हर स्टेट में बनाती है यहाँ पे नहीं है उसकी वजह से हमें लोकेशन हंट करना पड़ता है ठीक है सेकेंड थिंग होता है कि जो कैंपिंग का कल्चर एग्जैक्ट कैसा है उसमें कभी भी कार कैंपिंग्स बहुत रेयर होती हैं ठीक है असल होती है ट्रैकिंग वाली कैंपिंग की अच्छी लोकेशन जानी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप ट्रैक करके तीन चार किलोमीटर जाओ आपका बैकपैक है टेंट है किचन का सारा सामान आपके पास है बेसिक वो लकड़िया इकट्ठा करो वो सब कुछ करो वो बहुत टायरिंग है फैमिली के के साथ तो एटलीस्ट नहीं कर सकते आप वो सोलोस के लिए है वही बात लिए हो गया है। ना जो 50 प्लस है या बच्चे हैं वो ट्रैकिंग करके चार पाँच किलोमीटर ऊपर जाएंगे हुँ. तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता हुँ. है इसीलिए कार उस... कैंपिंग में लोकेशन हंट इज द मोस्ट इम्पोटेंट एंड डिफिकल्ट थिंग बाकी कैंपिंग हो जाती है उसमें टाइम नहीं लगता सिर्फ एक लोकेशन हंट होती है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो इसीलिए हमारा मकसद ये है कि भाई हाँ हम फ्री में जो लोग घूमना चाहते हैं कैंपिंग करना चाहते हैं का नहीं है हमारा मकसद है कि एक ग्रुप हम इकट्ठा मिलकर उन लोगों के लिए भी हेल्प करें और खुद भी करें उस चीज़ को मैंने अब पूरा वीडियो अपना भीट हो गया मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अपना कैमरा टेढ़ा पड़ा है पता नहीं आई डोंट नो अब हमारा वीडियो जो आएगा वो टेढ़ा आएगा पता नहीं अब शायद बाद में पता लगेगा जब पोस्ट करेंगे ना सो दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग उम्मीद करते हैं आपकी सारी जो सवालों का जब तो प्लीज इफ यून दुप नाइन एट थ्री एट सेवन टू एट टू एट फोर ये WhatsApp नंबर है इस पे जाए और ज्वाइन करने से पहले क्योंकि बना बनाई मिठाई तो हर कोई खा लेता है ज्वाइन <laughs> करने से पहले आप ये बात सुन लो कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप आए ग्रुप में और मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा मैं फला फला जगह जा रहा हूँ हर जगह सब कुछ सेट पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है फ्री कैंपिंग ग्रुप है इसमें आपको आप जैसे कि पुणे में बैठे हो पुणे में से लोकेशन आप बताओगे हुँ. एक बंदा पंजाब में बैठा है वहां की लोकेशन पहले से ही फिक्स करके रखेगा पंजाब वाला बंदा यूपी वाला बंदा यूपी की अलग अलग स्टेट की होंगी और हम सब पूरे इंडिया का राउंड काटेंगे हुँ. हर जगह से एक एक बंदा दो दो बंदे इस चीज की जिम्मेदारी लेंगे

एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानेंगे hmm. एक दूसरे के घर पे रुकेंगे ये नहीं की बाहर बाहर से निकल गए right. आप हमारे एरिया में आओगे तो हम आपको अपने घर लेके जाएंगे right. आपकी मेहमान नवाजी करेंगे जिससे हम लोग फ्रेंड्स बन पाएं, right. क्योंकि यहाँ बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम सो so इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते, होते हैं, हैं। हमारा यूपीए इसलिए लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से हमारे समाचार समाप्त हुए मिलते हैं आपको अगले चलचित्र में <laughs>